मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे आई विल डिस्कस ऑन द प्रॉब्लम विच आई हैव बीन रिटन ऑन योर पीडीएफ। फर्स्ट थ्योरम विच आई हैव टू प्रूव हियर, इफ टू लाइंस आर पैरेलल और आपके पास दो लाइंस आपस में पैरेलल दिए हैं, सपोज यू हैव लाइन ए बी एंड लाइन सी डी विच आर पैरेलल टू इच अदर, दैट इज गिवन एंड दिस इज ए ट्रांसवर्सल नेम एम एन, this is point P and this is point Q. Suppose it is given and here we require the proof sum of co-interior angle is 180. That means what we have to prove, we have to prove here angle M, sorry, angle B P, Q, BP, Q, plus तो फिर यहाँ पर हम लोग को प्रूफ करना है एंगल BPQ प्लस एंगल PQD इक्वल्स 180। इसको हम लोग बाबू कहते हैं को इंटीरियर एंगल, या इसी का और भी नाम है जिसको हम लोग एलाइड एंगल भी कहते हैं, ठीक है। इसी का फुल फॉर्म है को कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल, ये प्रूफ करना। चलिए हम लोग जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्सेप्ट पढ़े थे कि ये दोनों एंगल कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग होगा, ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग होगा, या ये दोनों कॉरस्पॉन्डिंग होगा, कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल थ्योरम नहीं है, ये क्या है एक्सियोम, एक्सियोम का वो प्रूफ नहीं होता है, ठीक है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियोम है, अल्टरनेट जो एंगल पढ़े थे आप वो मैं प्रूफ भी किया हूँ, वो आपका थ्योरम है और ये भी एक थ्योरम है, इसको मैं प्रूफ कर रहा हूँ अभी आपके समक्ष, इससे ध्यान दीजिए। तो मैं यहां से प्रूफ स्टार्ट कर रहा हूं, दिक्कत कहीं भी हो बेचक बोलना। एंगल एम पी बी प्लस एंगल बी पी क्यू इक्वल्स 180, ये किस कारण से हुआ, तो कहोगे सर ये लीनियर पेयर से। उसके बाद एंगल इसको मैं एक समान मान, उसके बाद आप कहोगे सर एंगल एम पी पी इक्वल किसके होगा, तो एंगल पी क्यू डी के होगा, एम पी बी इक्वल्स पी क्यू डी, ये किस कॉन्सेप्ट से होगा, तो ये कहोगे सर क्रॉस बॉन्डिंग एंगल की कॉन्सेप्ट से होगा। दैट मींस बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल यू कैन से दिस टू एंगल्स आर इक्वल, इसको मैं इक्वेशन टू मान। अब ध्यान देना होगा, प्रूफ करना है कि ये दोनों का सम 180 है, that means consecutive interior angle का सम 180 डिग्री होता है, ये प्रूफ करना। तो इसका सम 180 प्रूफ करने के लिए पहले पहले दोनों का सम 180 कहेंगे, फ्रॉम विच कॉन्सेप्ट, तो लीनियर पेयर, और ये एंगल आपका इसके इक्वल होगा किस कारण से, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के कारण से। उसके बाद अगर हम यूजिंग इक्वेशन टू का यूज वन में करेंगे तो हमारे पास बचेगा एंगल पी क्यू डी प्लस एंगल बी पी क्यू इक्वल्स 180। हमने पी क्यू डी प्लस किया जगह पर
एम पी डी की जगह पर, यहां से आपका एंगल पी क्यू डी प्लस एंगल बी पी क्यू इक्वल्स 180 आया, मींस एंगल पी क्यू डी प्लस बी पी क्यू ये 180 है, दैट मींस वी कैन से को इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। तो ये प्रूफ यहां से हमने कंप्लीट किया, यदि कोई डाउट उसमें तो बोल सकते हैं। ये हम लोग का पहला प्रूफ था। इस प्रूफ के बाद मैं आपके समक्ष एक क्वेश्चन पढ़ूंगा जो मैंने आपके आज के पीडीएफ में दिया, मिटा रहा हूं इसमें अच्छे से। एक क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो क्वेश्चन बाबू क्या था, ध्यान से सपोज देयर आर टू लाइंस व्हिच आर पैरेलल टू ईच अदर, दिस इज सपोज ए बी, सपोज सी डी, नेमिंग में आप उस पर चेंजिंग हो कि आपके जो क्वेश्चन में नेम दिया वो कुछ और नेम था या कुछ और नेम हो सकता है, इट इज ट्रांसवर्सल बट देयर इज नो एन यूज ऑफ दिस ट्रांसवर्सल। वी हैव पॉइंट पी, पॉइंट क्यू, पॉइंट आर, दिस एंगल इज सपोज टू बी 135 डिग्री एंड दिस इज 40 डिग्री सपोज एंड वी वांट टू फाइंड द एंगल पी क्यू आर, ये हम निकालना मान लो चाह रहे हैं, व्हाट इज एंगल पी क्यू आर। तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ा कि वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन थ्रू क्यू पैरेलल टू बोथ ए बी एंड सी डी, मतलब मैंने एक लाइन ड्रॉ किया कि क्यू के थ्रू जो दोनों के पैरेलल था, मतलब व्हाट वी हैव टू डू, कहोगे ड्रॉ ए लाइन थ्रू क्यू विच इज पैरेलल टू बोथ ए बी एंड सी डी। फिर कहोगे सर दिस एंगल इज एंगल वन, दिस एंगल इज एंगल टू, सपोज कर लिया मैंने, इसको आप मान सकते हैं एम और इसको एन लाइन एम होगी और आप स्पष्ट है यहां पर कि ए बी पैरेलल एम एन और पैरेलल इसके सी डी के, मतलब ये मैंने कंस्ट्रक्शन ही किया ये लाइन इस दोनों में क्या है पैरेलल। यहां तक बाबू करने के बाद एंगल 1 प्लस 135 डिग्री को आप 180 डिग्री कहिएगा, क्यों, सिंस को इंटीरियर एंगल इज व्हाट सप्लीमेंट्री, को इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होता है, उस कॉन्सेप्ट से एंगल 1 प्लस 135 डिग्री पॉसिबिलिटी होगा। फिर कहोगे सर एंगल 2 इक्वल्स व्हाट, एंगल 2 इक्वल्स 40 हो। तो बच्चों अगर मैं यहां पर एक काम करूं इसको 1 मानूं इसको 2 मानूं, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 से कहोगे सर एंगल 1 इक्वल्स 180 माइनस 135 डिग्री और सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 45, बिल्कुल आएगा। तो 180 माइनस 135 equals what 45, therefore we require angle PQR, PQR निकालो, PQR को angle 1 plus angle 2 में, angle 1 का मान कितना, angle 1 का मान 45 और angle 2 का मान 40, ये 40 किस कहां से हुआ, angle 2 equals 40 का होगा सर alternate interior angle से, alternate interior angle से angle 1 angle 2 equals 40 degree हुआ। तो फिर यहां से कहोगे सर 40 degree plus 45 degree equals what 85 degree, this is the required answer of your question। ये मैंने आपको दूसरा क्वेश्चन कराया, तो मैं फिर बोल रहा हूं कि कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल को इंटीरियर एंगल का और इस को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है, दैट मींस 180 डिग्री होता है।
उस कॉन्सेप्ट का मैं जहां जहां यूज कर रहा हूं वो समझाया भी, और ये थ्योरम है, मैंने भी प्रूव भी किया इसको। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल जो पाया तो वो थ्योरम नहीं है, वो एक्सियोम है। अल्टरनेट एंगल जो पाया तो वो भी क्या है, थ्योरम है। वर्टिकली एंगल आपस में इक्वल होते हैं उसको भी आप याद रखिएगा। ऐसे ऐसे जितना भी कॉन्सेप्ट यूज किया हूँ, कहीं कहीं लीनियर पर यूज कर रहा हूँ, इसके बारे में मैंने पहले पढ़ाया था, इन सारे चीज को आपको ध्यान अच्छे से, ठीक है, और उसके बाद जो भी डाउट हो वो शेयर करना है। थैंक यू बाबू, आज के इतना ही। जो दिक्कत हो आप बिल्कुल पूछिए भैया।